वाराणसी में 17 जनवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्याकांड के दो आरोपियों को कल मीडिया के सामने पेश किया। 17 जनवरी को वाराणसी के ठेला पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रमोद निगम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा किया कि बेहद मामूली बात पर प्रमोद की हत्या की गई। गुस्से और बदले की ये वो खौफनाक दास्तान है जिसमें एक बेकसूर को मौत के घाट उतार दिया गया। 17 जनवरी को वाराणसी ठेला पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष और वीएचपी नेता प्रमोद निगम की हत्या कर दी गई। प्रमोद निगम की किसी से रंजिश नहीं थी, पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में एक शख्स बीच सड़क पर यूरिनेट करता नजर आ रहा है। पुलिस ने अपनी जांच इसी एंगल से शुरू की और करीब महीने भर बाद इस केस को सुलझा लिया गया। दरअसल खुले में यूरिनेट करने वाला शख्स नंदलाल उर्फ बबलू राय है। नंदलाल उस दिन शराब के नशे में धुत था। प्रमोद निगम ने नंदलाल को खुले में यूरिनेट करने से मना किया तो दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो नंदलाल को प्रमोद के बेटे अभिषेक ने थप्पड़ भी मारा। इससे नाराज होकर नंदलाल पहले तो वहां से चला गया, फिर कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वापस लौटा और 4 घंटे बाद प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो बदमाश है, जो बड़े बदमाश है, उनके साथ इनके लिंकअप से वहीं से ही कहीं से इसके पास ये हथियार जो है ये मुहैया कराया गया होगा। 4 गोली चलाई गई, 2 प्रमोद निगम जी के बॉडी पर लगी और उसके बाद प्रमोद निगम जो है वो कोलैप्स हो गए, एक्सपायर हो गए। राह चलते मर्डर के हथियारों को ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती था। प्रमोद के बेटे अभिषेक के बयान के आधार पर पुलिस हथियारों की तलाश कर रही थी।